बाहुबली सुपरस्टार प्रभास की बात करें तो उनकी फिल्म साहू इन दोनों काफी ज्यादा सुर्खियों की वजह बनी हुई है। बताना चाहेंगे साहू फिल्म काफी मायनों में खास होगी क्योंकि ये एक बिग बजट पर बन रही है। मीडिया में खबरों के मुताबिक बताया गया कि साहू फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ के आसपास है और इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में की गई है जहां पर हमें धुआंधार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। बताना चाहेंगे बीते साल साहू के मेकर्स ने इस फिल्म के मेकिंग वीडियो की एक सीरीज शुरू की थी जिस सीरीज का पहला चैप्टर यानी सेट्स ऑफ साहू चैप्टर 1 को प्रभास के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया था। इसी के साथ ही दूसरा चैप्टर फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के जन्मदिन पर रिलीज किया गया जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन दोस्तों सेट्स ऑफ साहू चैप्टर मेकिंग वीडियो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। बताना चाहेंगे सेट्स ऑफ साहू चैप्टर 2 के इस एक्शन पैक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया जिसे महज 24 घंटे में 79 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। उसके साथ ही इस वीडियो ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिए हैं। बताना चाहेंगे इतने ही नहीं 24 घंटे के भीतर 12 मिलियन व्यूज के साथ ही ये सबसे अधिक देखे जाने वाला मेकिंग वीडियो बन गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 2.9 मिलियन लाइक के साथ इस वीडियो ने सबसे अधिक लाइक किए जाने वाली मेकिंग वीडियो का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। सेट्स ऑफ साहू चैप्टर 2 की अब तक रिलीज हुई दोनों श्रृंखलाओं से ही व्यतीत होता है कि फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है जिसे देखने के लिए दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर के साथ बाहुबली मेगास्टार प्रभास अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर साहू के साथ देश भर में अपने प्रशंसकों को हैरान करते हुए नजर आने वाले हैं। बताना चाहेंगे ये फिल्म कई भाषाओं में भारत में रिलीज की जाने वाली है जिसे हिंदी तेलुगु और तमिल में 3 भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। साहू में प्रभास श्रद्धा कपूर के अलावा नील नितिन मुकेश जैकी श्रॉफ मंदिरा बेदी महेश मांजरेकर और चंकी पांडे एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। फिल्म को इसी साल 15 अगस्त 2019 को रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म साहू को लेकर और आप फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं।